हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉटलिन क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वैसे ही अपनी जो कॉटलिन लैंग्वेज है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स होते हैं और क्लासेस होती हैं और कई सारे चीज़ें लाइक इनहेरिटेंस और ये सब, तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ क्लास पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्लास क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो जो क्लास है वो किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एक सिंपल सा हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आपकी बाईसाइकिल, ये जो बाईसाइकिल है मीन्स आपकी जो साइकिल है, ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है। डॉग, ये एक ऑब्जेक्ट है। सो इस रियल लाइफ में आपको जितने भी चीज़ें दिखती हैं वो एक तरह से ऑब्जेक्ट हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उनकी एक स्टेट होती है और बिहेवियर होता है। तो डॉग का एग्जांपल जैसे हमने लिया, तो जो डॉग होता है उसका नाम होता है, उसका कलर होता है, तो ये क्या हो गया, उसके स्टेट। और फिर बिहेवियर मतलब डॉग दौड़ता है, डॉग भौंकता है, तो ये सब उसकी बिहेवियर हो गई। तो ऐसे ही इस रियल लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का कुछ ना कुछ स्टेट होता है और कुछ ना कुछ उनके बिहेवियर होते हैं। तो आपका जो बाईसाइकिल है, तो बाईसाइकिल का कुछ ना कुछ कलर होगा, उसमें कितने ब्रेक हैं, ये सब क्या हो गया, उसके स्टेट। और बिहेवियर में बाईसाइकिल में ब्रेक होता है, उसका एक बिहेवियर है। साइकिल के हम गियर चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक उसका बिहेवियर हो गया। तो ऐसे ही हमारी जो दुनिया है वो कई सारे ऑब्जेक्ट से भरी भरी है। तो हम उसी का एग्जाम्पल लेके अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे अब हमें जो भी प्रोग्राम्स लिखना होता है वो किसी ना किसी रियल लाइफ या फिर हमारे कुछ काम के अनुसार डिपेंडेंट होता है, तो हमें वैसे ही जो रियल लाइफ है उसको उसकी हमें कोडिंग करना होता है। तो इस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाई गई। तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे एग्जाम्पल्स को, अपने पूरे रियल लाइफ को छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करके उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और हम उसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो आप सभी स्कूल गए होंगे, तो जो स्कूल है वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट को के भी हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, तो स्कूल में टीचर्स हैं, तो टीचर एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट भी एक अलग ऑब्जेक्ट है। कैसे, तो जो आपका स्कूल है उसके भी अलग अलग स्टेट्स हैं और बिहेवियर्स हैं। स्टूडेंट्स के अलग स्टेट हैं, बिहेवियर है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ वो स्टेट होते हैं और कुछ ना कुछ उनका बिहेवियर होता है। तो हम लेते हैं एग्जांपल टीचर का, तो टीचर का नाम होगा, टीचर का एज होगा, ये सब क्या हो गए, स्टेट। और इसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर हम फंक्शंस को कहते हैं। तो टीचर जो है उसको वो क्या कर, टीचिंग हो गया उसका एक बिहेवियर। टीचर दौड़ता है तो ये हो गया उसका एक बिहेवियर। तो ऐसे ही हम सारे सभी ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ स्टेट होते हैं, कुछ ना कुछ उनके बिहेवियर होते हैं। तो जो आपका क्लास होता है वो क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने जब प्रोग्राम करते हैं तो रियल लाइफ का जो भी चित्रण है उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो एक प्रकार से ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका विवरण कर रहे हैं तो उसको हम ब्लूप्रिंट कहेंगे। तो क्लास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। तो
एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं टीचर, तो टीचर का अगर हमें ब्लूप्रिंट बनाना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम एक सिंपल सा क्लास बनाएंगे जिसमें हम उसके स्टेट्स मीन्स वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे कि टीचर का नेम क्या है, टीचर का एज क्या है, और इसके बाद हम उसके बिहेवियर्स लिखेंगे कि टीचर फंक्शंस, तो टीचर टीचिंग उसका फंक्शन हो गया, टीचर ईटिंग खाना खाना उसका एक फंक्शन है, ओके तो ये सारे उसके बिहेवियर्स हम मेंशन करेंगे। तो हम अपना सबसे पहले इंटेलिजे ऑन करते हैं और इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि क्लास का हम क्लास का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे कॉटलिन लैंग्वेज में। तो मैं इस डेमो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ मेरा इंटेलिजे बन चुका है। अभी फ़िलहाल मैं मेरी जो हेलो डॉट के टी फाइल है इससे मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ और यहाँ पे कॉटलिन में अगर आपको क्लास डिक्लेयर करना है तो आप सिंपल सा क्लास लिखेंगे, क्लास कीवर्ड, इसके बाद क्लास का नेम। तो अभी जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास जो होता है वो आपके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होता है, तो हम एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लेते हैं टीचर। तो यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने जो टीचर का टी है वो कैपिटल लिखा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वो होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, इन्हें कहते हैं नेमिंग कन्वेंशंस। तो बेटर रहता है कि अगर हम उन नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करें। तो जैसे जो भी क्लास के नेम होंगे वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, जो मेथड्स के नेम होंगे फंक्शंस जो हम पढ़ चुके हैं फंक्शंस के नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं और कैमल केस में रहते हैं। तो क्लास में हम सबसे पहले क्लास लिखेंगे, फिर क्लास का नाम और फिर वो कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा सिंपल सा क्लास हो गया टीचर क्लास। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि हर क्लास दो चीज रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई ना कोई स्टेट होता है और बिहेवियर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्टेट होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और जो बिहेवियर होता है वो होता है फंक्शन। और हम फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो जो टीचर है इसके अगर हमें आपको स्टेट लिखना है तो हम वेर की वर्ड वेरिएबल्स जैसे बनाते थे, नेम और इसके बाद स्कूल टू हम कुछ भी नेम डाल देते हैं। तो ये टीचर का एक स्टेट हो गया। अब यहाँ पे हम टीचर का एक बिहेवियर मीन्स एक फंक्शन, तो फन टीचिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है क्योंकि ये मेथड है। और जस्ट तो आपका ये हो गया स्टेट और आपका ये हो गया बिहेवियर। तो जैसे कि हम अदर लैंग्वेज पे देखे थे, अगर एग्जांपल आपने जावा का, तो हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो उनको इनिशियलाइज करना वहाँ पे ज़रूरी नहीं था, लेकिन कॉटलिन में आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। तो या तो आपका वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे अपना इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, क्लास इज फ्रेंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सपोज मुझे अपने इस टीचर जो क्लास है इसके वेरिएबल्स और
इसके जो कंसर्न है उनको कॉल करना है, मीन्स अपने इस टीचर क्लास को हमें यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम अभी तक जैसे मेन फंक्शन बनाते थे, तो अपने मेन फंक्शन बनाएंगे और इसके बाद हम वेरिएबल, जैसे नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर किए अभी तक, और इस वेरिएबल का हम नाम देते हैं मैथ टीचर। और इसके बाद इसको हम टीचर क्लास का इंस्टेंस बना देते हैं। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा, हम जैसे कि जावा में हम न्यू कीवर्ड यूज करते थे, तो कॉटलिन में न्यू कीवर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस इंस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कई सारे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाया और उस ब्लूप्रिंट को हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उस ब्लूप्रिंट के यूज करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस बनाना या फिर ऑब्जेक्ट बनाना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के स्टेट या फिर उस क्लास के जो बिहेवियर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, प्रिंट करूं, मैथ टीचर डॉट नेम, तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका हम नेम पता करते हैं। तो मैं इस फंक्शन को रन करूं, आनंद सिंह। तो आप जो भी क्लास बनाया उसका हम इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस के थ्रू हम उस क्लास के जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉटलिन लैंग्वेज में जो क्लास होता है वो फाइनल होता है और पब्लिक होता है, ऐसे इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो सब पब्लिक होते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है अभी उसका हमने स्टेट जाना, अब हम उसका बिहेवियर जानते हैं, तो उसके फंक्शन को कॉल करते हैं। किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं मैथ टीचर डॉट जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया था उसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारा फंक्शन है उसमें कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। आई एम टीचिंग मैथ्स, और इसके बाद मैं इस फंक्शन को रन कर देता हूं। तो यहां पहले प्रिंट हुआ नेम एंड आई एम टीचिंग मैथ्स। तो कॉटलिन में क्लास के लिए हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, इसके बाद क्लास का नेम, और उसमें हम ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन, जैसे फंक्शन का ट्यूटोरियल मैंने बताया था वैसे फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस क्लास के स्टेट्स या फिर बिहेवियर को अगर आपको कॉल करना है उसके लिए सबसे पहले हमें उसका इंस्टेंस, जिसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाना, तो हम सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं।